यहाँ पर जो मैं स्मोकी फ्लेवर का रायता बनाने जा रही हूँ उसके लिए आप किसी भी स्टील के या एल्युमिनियम के बर्तन का यूज़ करें, कांच के या प्लास्टिक के बर्तन का यूज़ ना करें। इसके साथ ही साथ आप जो बर्तन यूज़ करें उसके साइज़ की कोई भी प्लेट या उसके साइज़ का ढक्कन ज़रूर होना चाहिए जो उस पर अच्छी तरह से फिट हो जाए। तो इस तरह का बर्तन हम यूज़ करेंगे इस रायता की रेसिपी में। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ रिया और आपका स्वागत है रेसिपीज विद रिया में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी, रायते की रेसिपी। तो रायता तो बहुत ही इजी होता है, ज़्यादातर सभी को बनाना आता है, लेकिन इस रेसिपी में कुछ ट्विस्ट है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ स्मोकी फ्लेवर रायते की रेसिपी। तो जब हम रायते के अंदर एक स्मोकी से फ्लेवर को डालेंगे तो वो रायते के फ्लेवर को, उसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देगा। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही क्विक रेसिपी है। वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस आसान सी रायते की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रायता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दही लिया है। दही लेने के बाद मैं दही को बहुत अच्छी तरह से फेंट लूँगी, जिससे दही अच्छी तरह से चिकना हो जाए, दही के अंदर जो बारीक बारीक लम्स होते हैं वो ना रहें। तो दही को यहाँ मैंने अच्छी तरह से चिकना बना लिया है, ये देखिए। तो यहाँ मैं वेजिटेबल रायता बना रही हूँ। तो वेजिटेबल्स में सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 प्याज बारीक कटा हुआ। तो प्याज को मैंने बहुत बारीक बारीक कट किया है। आप भी कोशिश करें जितना बारीक काट सकते हैं सभी वेजिटेबल्स को उतना बारीक काटें। आधा खीरा लिया है बारीक कटा हुआ, आधा टमाटर बारीक कटा हुआ, आधा गाजर बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च ली है बारीक कटी हुई। तो सभी वेजिटेबल्स डालने के बाद इन सभी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से दही में मिक्स कर देंगे। मैं ये स्मोकी फ्लेवर का रायता, वेजिटेबल रायता बना रही हूँ। आप चाहे कोई भी रायता बना सकते हैं, उसमें स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने डाला नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और थोड़ा सा काला नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सभी मसाले डालने के बाद भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यह रायता बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें अब स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम दूसरे प्रोसेस पे बढ़ते हैं। तो यहाँ मैंने गैस का ऑन किया है, उसके बाद मैंने एक छोटा कोयले का टुकड़ा लिया है, इसे मैं गैस पे गरम कर रही हूँ। तो 5 मिनट तक हर साइड से पलटते हुए इसे अच्छे से गरम कर लेंगे। ये देखिए कोयला अच्छे से गरम हो गया है। 1 कटोरी के अंदर इस कोयले को रखेंगे। अब हम तड़का बनाते हैं। तो तड़का बनाने के लिए तड़का पैन लिया है मैंने। इसमें 1 चम्मच के करीब इसमें मैंने ऑयल डाला है। यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून जीरा और 1/4 चम्मच हींग। तो हींग यहाँ मैंने इस रायते में ज़्यादा यूज़ की है, रायते में भी डाली थी और तड़के में भी डाली है, क्योंकि हींग से रायते का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो तड़का मैंने बना लिया है। तो रायते के ऊपर ये मैं कटोरी रख दूँगी जिसके अंदर मैंने कोयला रखा हुआ है। तो यहाँ जो मैंने तड़का लिया था, तो पहले मैं थोड़ा सा तड़का रायते में डाल दूँगी साइडों से और बाकी बचा हुआ तड़का मैं कोयले पर डालूँगी। जैसे ही मैं कोयले पर तड़का डालूँगी तो ये एक धुआँ आने लगेगा, तभी हम इसके ऊपर प्लेट या ढक्कन जो भी है आपके पास वो कवर कर दें। 5 मिनट के लिए इसे कवर करके छोड़ेंगे, जिससे अच्छे से धुआं रायते में भर जाएगा, एक बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर रायते में आ जाएगा। इसे अच्छे से मिला दें एक बार। रायता रेडी हो चुका है। आप इसे फ्रिज में थोड़ा देर ठंडा होने के लिए रख दें, उसके बाद इसे सर्व कर सकते हैं। स्मोकी फ्लेवर वाला रायता बनकर तैयार है। थोड़ी देर ठंडा करने के बाद इसे रोटी या चावल के साथ सर्व करें। तो कैसा लगा आप लोगों को ये स्मोकी फ्लेवर वाला रायता? लग रहा है ना बहुत अच्छा। खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ गई हो तो आपको मालूम है ना आपको क्या करना है। आपको देना है बस 1 लाइक। आपकी लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो अगर रेसिपी पसंद आ गई हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।